रिपोर्ट जो अब तक वज़ीर-ए-आज़म पर ही आ सकी, वो रिपोर्ट जिसको हुकूमत पंजाब ने कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ, वो रिपोर्ट हमने यहां से ब्रेक की है, दुनिया न्यूज से ब्रेक की है, दुनिया न्यूज के व्यूअर्स और तमाम लोगों के लिए जो इस सारे मॉडल टाउन के बारे में हकायक की कोई हल्की सी झलक भी जानना चाहते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं, बहुत तल्ख ऑब्जर्वेशन और फैसले हैं उसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर, और इसमें लिखा गया है कि हुकूमत पंजाब बाय ऑल मीन जिम्मेदार है, खून की होली जो खेली गई, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उस रिपोर्ट के अल्फाज है जस्टिस बाकिर ने प्रेजेंट कर दी है, जो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन हम उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं आपके लिए पहली मरतबा दुनिया न्यूज से। 17 जून का एक्शन गैर कानूनी था, हुकूमत पंजाब उसमें मुलव्वस है। राणा सनाउल्लाह के इजलास के फैसले में पाकिस्तानी तारीख का बदतरीन कत्लेआम हुआ। इसके अलावा ये बताया गया है, सबसे ज्यादा डैमेजिंग है, कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का बयान हल्फी गलत साबित हुआ है, और ये तक लिखा गया है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ऐसा कोई हुक्म जो उन्होंने बयान हल्फी में लिखा है कि जी मैंने डिसंगेज करने की बात की, जस्टिस बाकिर की रिपोर्ट ये कहती है कि ऐसा कोई हुक्म वज़ीर-ए-आला पंजाब ने दिया ही नहीं था। हमारे साथ अर्शद शरीफ साहब भी मौजूद है, अर्शद आपको मेरी आवाज आ रही है। जी कामरान, पहले तो आपको मुबारकबाद की, वो रिपोर्ट है जिसको हुकूमत ने छिपाने की भरपूर कोशिश की और आप इसे आज मंजर आम पे ले आए हैं, और जस्टिस बाकिर जिस साहब ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि उन्हें ये मैंडेट ही नहीं दिया गया था उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कि वो जिम्मेदारी का तयन करते, और लेकिन जो ऑब्जर्वेशन जितनी फाइंडिंग्स आपने इसमें बताई हैं उसमें जिम्मेदारी का तयन किए बगैर पब्लिक अदालत में ये चीज साबित हो रही है, जो चीज इतने अच्छे से सामने आ रही थी कि ये वाकयात इस तरह हुए, एविडेंसेज मौजूद थे, और आज इस पे जुडिशियल कमीशन जो 1 MM जुडिशियल कमीशन है उसकी मोहर भी सख्त होगी, बहुत सीरियस फाइंडिंग है, इसकी रेमिफिकेशन बहुत ज्यादा हो सकती हैं, जो ऑब्जर्वेशन इसमें आई है खासतौर पर वजीर आला के हवाले से और राणा सनाउल्लाह साबिक वजीर कानून के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन इसमें आई है, इसमें अब जो अहम चीज है कि इसमें पंजाब हुकूमत को भी जिम्मेदार ठहराया गया, तो पंजाब हुकूमत इसके लिए क्या करती है, कर सकती है। लाहौर हाईकोर्ट में आपके इल्म में होगा कि इसको चैलेंज किया गया, एक रिव्यू पिटीशन एक तरह से तैयार की जा रही है जिसको जस्टिस मामून रशीद ने सुनने से इंकार कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ इस तरह की बातें आ रही थी कि वो एक के डोकर जो वकील हैं नवाज शरीफ साहब के काफी करीब हैं उनके